हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फोकस लाइट। जी हाँ, फोकस लाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो जाने पर उनकी जो हेडलाइट होती है वो ज़्यादा फोकस नहीं दे पाती, इस वजह से आज हम लोगों को फोकस लाइट इंस्टॉल करना पड़ता है। तो फोकस लाइट इंस्टॉल करने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं आज आपको बता देने वाला हूँ कि जैसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद बेल आइकन को नहीं दबाते तो उससे क्या आपको नुकसान होता है, ये भी आप जान लीजिए। कि जैसा कि आप जो चैनल है मेरा सब्सक्राइब कर लेते हैं उसके बाद बेल आइकन नहीं दबाते हैं, बेल आइकन दबाने से ये होता है कि जो मेरी नई अपडेट आएगी अगली, उसको आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके मोबाइल पर बिना कुछ किए हुए, मैसेज के थ्रू देखनी पड़ेगी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फोकस लाइट को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसा कि कई बार आप लोग फोकस लाइट लगवाते हैं तो क्या होता है कि डायरेक्ट वो लोग बैटरी से कर देते हैं, जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं तो आपकी फोकस लाइट जलने लगती है। तो आज हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक स्विच, दो फोकस लाइट एंड इग्निशन से करने वाले हैं। तो इग्निशन से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इग्निशन से एक रेड वायर लेकर के आनी पड़ेगी जो कि आपको स्विच में लगाना होगा, और जो माइनस पॉइंट होगा वो आपकी बत्ती में जाएगी, मतलब कि फोकस लाइट में। तो इसी वजह से आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे ही आप इग्निशन को ऑन करेंगे, अपने बटन को ऑन करेंगे, फोकस लाइट की बटन को ऑन करेंगे, उसी समय आपकी फोकस लाइट जलेगी, अन्यथा नहीं जलेगी। जैसे ही आप इग्निशन बंद करेंगे और फोकस लाइट के बटन को ऑन ऑफ करेंगे तो आपका फोकस लाइट नहीं जलेगी। इस वजह से आज आपको ऐसा सिस्टम बनाने के लिए ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एवेंजर 220 खड़ी हुई है, और इसमें हम लोग फोकस लाइट लगाने वाले हैं जो कि है 250 रुपये की फोकस लाइट। ये आप देख पा रहे होंगे ये अच्छी बिट क्वालिटी की भी है, और इसको लगाना, इंस्टॉल करना, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें से दो वायर निकल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे ये जो स्विच लगे हैं उसमें से दो वायर निकल रहे हैं, ब्लैक एंड ग्रीन दो वायर निकल रहे हैं, जो कि आप ये स्विच देख पा रहे होंगे। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही सरल है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके पीछे दो बोल्ट लगे रहते हैं जो कि टाइट कर दिए जाते हैं, तो आप ये भी देख पाएंगे। ये देखिए हैंडल में ला करके बस इनको इंस्टॉल करना है, दो पेंच को टाइट करना है। ये आप बहुत ही आसानी से घर पे कर पाएंगे, और इसमें जो लाइट लगी है ये भी बहुत ही आसानी से आप इंस्टॉल कर पाएंगे। इसमें आपको भी दो वायर दिखाई पड़ रही होंगी, ब्लैक कलर की जो कि माइनस पॉइंट होता है और रेड कलर की जो कि प्लस पॉइंट होता है। तो यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूँ, ये प्लस पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है। जो ब्लैक कलर का है ये माइनस पॉइंट, और जो प्लस कलर का है, रेड कलर का है, वो प्लस पॉइंट। अभी हम लोग क्या करने हैं, इग्निशन वाला खोलने वाले हैं, जो कि जैसे ही आप चाबी को ऑन करते हैं तभी क्या बोलते हैं आपकी बत्ती जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक वाइट कलर का स्विच दिखाई पड़ेगा, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो वाइट कलर का स्विच है इसको आपको खोलना पड़ेगा, और इसमें से रेड वायर जो कि प्लस पॉइंट होता है वो आपको अपनी बत्ती में जोड़ना होगा। जी हाँ, आपको अपनी जो फोकस लाइट है उसमें जोड़ना होगा। तो सबसे पहले इसको खोलने के लिए आपको क्या करना होगा, एक पेचकस की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, तो आप पेचकस लेकर के उसको दबाएंगे और खींचेंगे तो वो निकल आएगा आसानी से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पेचकस आप उसको डाल करके दबाएंगे और वो खुल जाएगा आसानी से, निकल आएगा बाहर की ओर, निकल आया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हर दम ये बात आप याद रखिएगा कि जो भी प्लस पॉइंट होता है वो हरदम रेड कलर का होता है। कहीं पर भी आपको डीसी में केवल ये देखने को मिलता है, एसी में कुछ भी हो सकता है, वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ब्लैक कलर का भी हो सकता है, और लेकिन डीसी में हरदम जितनी भी बाइक का इंस्टॉलिंग है इसमें रेड कलर से प्लस पॉइंट को दिखाया जाता है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लस पॉइंट का जो वायर है उसको ले जान के बत्ती के पास ले जाने वाले हैं। तो एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम लोग इस वायर को ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही वायर मिल जाता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे आपको क्या करना होगा। तो ये वायर निकाल रहे हैं, तो जैसा कि एक मिल गया है, इसमें से वायर काट करके थोड़ी सी निकाल ली जाएगी,
और अपना, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो रेड कलर का पॉइंट था उसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक वायर को जोड़ने वाले हैं। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आधा छील लेते हैं, छीलने के बाद उसके अंदर डाल करके मोड़ देते हैं और फिर ऊपर से स्विच लगा देते हैं। तो चलिए स्विच को लगा लेते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद अगर आपको टेपिंग से कवरिंग करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आप उसको ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और सबसे पहले ज़रूरी बात जान लें कि तार आपका कहीं से कटा ना हो, अगर कटा होगा तो माइनस पॉइंट पूरी गाड़ी में चलता रहता है, अगर आपका जैसे ही प्लस पॉइंट उससे टकराएगा तो आपके जो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बनी रह सकती है। इस वजह से जो भी वायर का इस्तेमाल करें वो फुल्ली रबड़ का या फिर उसके ऊपर जो कवरिंग रहती है वो पूरी तरीके से फुल्ली कवरिंग रहे, नहीं तो अन्यथा आपके फ्यूज़ उड़ सकते हैं। अगर जैसे कोई कोई मिस्त्री क्या करते हैं, फ्यूज उड़ जाने के बाद उसको डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे ही अगर वो डायरेक्ट हो जाता है उसके बाद अगर आपके गाड़ी में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लगने की संभावना रहती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये तार कटा हुआ है, इसमें अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, टेप भी मार देने वाले हैं, टेप को अच्छी तरीके से लगा लेंगे, नहीं तो अन्यथा कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टेप ले लिया गया है और फिर अच्छी तरीके से तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ से फोकस लाइट से दो वायर गुजर रहे थे जो कि ब्लैक कलर का और रेड कलर का था। तो जो रेड कलर की वायर थी वो ग्रीन कलर के वायर से जोड़ दी गई है स्विच वाले से। अभी क्या करना है, यहाँ से एक जो पॉजिटिव पॉइंट लेकर के जा रहे थे, मतलब ये जो रेड येलो कलर का वायर आपको दिखाई पड़ रहा है जो कि पॉजिटिव पॉइंट है, ये रेड कलर से दिखाया भी जा रहा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक रेड कलर की भी लाइन गई है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हर दम इसको रेड कलर से दिखाया जाता है, तो इसमें रेड कलर की लाइन जा रही है, इसका मतलब ये प्लस पॉइंट है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको टंकी के नीचे से गुजारने वाले हैं जैसा कि आप देख पाएंगे अभी। तो यहाँ से अच्छी तरीके से टेप की पूरी कवरिंग कर ली गई है कि माइनस पॉइंट छूने पर शॉर्ट सर्किट ना हो और जो मैंने पैसे लगाए हैं उसकी वेस्टिंग ना हो। इस वजह से अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको टंकी के नीचे से गुजारने वाले हैं कि ताकि वो दिखे ना कि वायर कहाँ से जा रहा है और किस काम के लिए जा रहा है वायर। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो ये जो लाइट थी फोकस लाइट, इसमें से दो वायर आ रहे थे और जो प्लस पॉइंट था वो ग्रीन वाले में जुड़ गया था जा करके, और ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ये हम लोग जोड़ने वाले हैं प्लस पॉइंट से। जी हाँ, प्लस पॉइंट से। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अभी आपको टेप मार लेना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये एक वायर जो आई है ये फोकस लाइट की वायर है, ये ग्रीन कलर से जोड़ दी गई है स्विच से। अभी क्या करने वाले हैं, जो रेड कलर की वायर मतलब जो प्लस पॉइंट लेकर के आ रहे थे, अब हम लोग एक वायर उसकी स्विच से जोड़ देंगे। जी हाँ, स्विच से जोड़ देंगे एक वायर प्लस पॉइंट का। तो आप देख पा रहे होंगे जैसा कि ये जल चुकी है, ये देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है। आप एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं अपनी बाइक में लगा करके, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी मैं इसकी वीडियो के एंड में वायरिंग डायग्राम बना करके दिखा दूंगा, आप वहाँ उसको भी देख करके सीख पाएंगे, तो वो बहुत ही सरल होगा, आप उसका ज़रूर प्रयोग करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से टंकी के नीचे से वायर ले जाई जा रही है ताकि वो वायर गिरे ना और किसी को पता ना चले कि ये काहे की वायर है। जी हाँ, वो काहे की वायर है, ये किसी को ना पता चले। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वायर नीचे से जा रही है, टंकी के नीचे से गुजारा गया है वायर को, ये देखिए, और ये बिल्कुल भी गायब हो गई है, कहीं से दिख नहीं रही है। अब क्या करना होगा, स्विच के वायर से जोड़ने वाले हैं। तो जो अभी हम लोग करके देख चुके हैं वो हम लोग ट्राई कर रहे थे कि जल रही है कि नहीं, तो आप भी ऐसा करके देख पाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से वायर को लपेट करके पूरा बीच पोर्शन पे निकाल करके तब फिर उसको लपेटें और फिर इस पर अच्छी तरीके से टेप मार दें। टेप का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपका टेप नहीं लगा रहेगा तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रह सकती है, फिर आप हमको या अपने आप को दोष ना दीजिएगा, आप टेप का ज़रूर प्रयोग करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे टेप हम लोगों ने लगा लिया है यहाँ पर, टेप का प्रयोग ज़रूर करें। अब इसमें से जो लाइट है फोकस लाइट, इसमें से एक वायर बच रही है जो कि हम लोग कहीं पर भी लगा देंगे। जी हाँ, गाड़ी में पूरे में अभी मैंने बताया ना आपको कि माइनस पॉइंट रहता है, आप कहीं पर भी इस
ब्लैक कलर की वायर को कहीं पर भी छुआ देंगे तो माइनस पॉइंट मिल जाएगा और आपकी बत्ती चलने लगेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर थोड़ी वायर लंबी है, तो इसमें हम लोग मोड़ करके टेप मारने वाले हैं। ये देखिए टेप मारने वाले हैं मोड़ करके। तो जैसे ही टेप लग जाएगा और ये अच्छी तरीके से हम लोग टेप की कवरिंग कर देंगे, उसके बाद क्या करना होगा, ये जो ब्लैक कलर की वायर आपको दिखाई पड़ रही होगी, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो ब्लैक कलर की वायर है उसको आप कहीं पर भी छुआ देंगे तो आपकी काम करने लगेगी फोकस लाइट। जी हाँ, ये देखिए ये है ब्लैक कलर की वो वायर। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके वो हॉर्न का जो बोल्ट होता है उसमें टाइट करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए जो हॉर्न का बोल्ट है उसमें अभी हम लोग टाइट करने वाले हैं। ये देखिए हॉर्न के बोल्ट में मैंने टाइट कर दिया अच्छी तरीके से, या कहीं पर भी आप इसको छुआ देंगे तो आपकी बत्ती जलने लगेगी, इस वजह से कोई भी बोल्ट में टाइट कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो फ्यूज़ होता है वो ये देखिए उड़ गया है, मतलब दोनों पॉइंट छू गए थे आपस में, प्लस या माइनस पॉइंट, तो ये फ्यूज़ उड़ गया है। तो एक्स्ट्रा जो फ्यूज़ दिए रहते हैं उनको लगा करके आप काम कर सकते हैं। तो ज़रूर ज़रूर आप ध्यान रखें कि दोनों पॉइंट आपस में ना छुएं, नहीं तो आपके फ्यूज़ उड़ जाएंगे। ये देखिए तो अभी हम क्या करने वाले हैं, फ्यूज़ को चेंज करने वाले हैं। तो अब दूसरी लाइट की इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लाइट थी उसके नीचे का जो एलेंकी बोल्ट था उसके हम लोग टाइट कर ले रहे हैं अच्छी तरीके से, और दोनों वायर ले जा करके उन्हीं लाइट में लगा देंगे, जैसा कि आपको मैं अभी दिखाऊंगा पूरी वीडियो में। तो पूरी वीडियो देखिए और सीख जाइए।
तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं आपको वायरिंग डायग्राम सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको ये देखने को जो मिल रहा है ये इग्निशन स्विच है। जी हाँ, ये इग्निशन स्विच है। तो इसमें को जो ये मैंने डिब्बी खोली थी इग्निशन स्विच की, जो मैंने आपको दिखाया था व्हाइट कलर की पेचकस के खोलने से ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आपको दो वायर दिखाई पड़ रहे थे, ब्लैक कलर और रेड कलर का वायर। तो रेड कलर की वायर से हम लोग एक वायर ले लेते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, ला करके स्विच में जोड़ते हैं। ये स्विच के रेड वाले वायर में जोड़ देते हैं और ये जो ब्लैक रेड कलर का वायर होता है इसको ले जा करके एक स्विच में जोड़ते हैं, जो कि हम लोगों का कट ऑफ बन जाता है। जैसे ही ऑन करेंगे तो ऑफ करेंगे तो ऐसे कट ऑफ बन जाएगा बीच पर से। और ये जो वायर है, ये जो माइनस कलर की वायर है, इसको पूरी गाड़ी में आप कहीं पर भी दौड़ा सकते हैं, कहीं पर भी पूरी गाड़ी में आप छुआ सकते हैं। जैसे ही आप इसको छुआएंगे तो ये माइनस पॉइंट चालू हो जाएगा। यही एकदम सिंपल सा वायरिंग डायग्राम है। अगर चाहें तो आप यहाँ से भी माइनस पॉइंट ला सकते हैं। यहाँ से ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका इसमें बहुत ही ज़्यादा तार वेस्ट हो जाएगा। इसको ना करें आप, और कहीं पर भी इसको किसी भी बोल्ट में इसको टाइट कर दें माइनस पॉइंट को, तो ये चालू हो जाएगी आपकी फोकस लाइट। जी हाँ, फोकस लाइट आपकी चालू हो जाएगी और ये बहुत ही अच्छी रोशनी देने लगेगी। जी हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो में अभी आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट।